अगर मुझे वो मैं उनको 1.5 लाख रुपए देता हूँ तो मुझे जल्दी गाड़ी दे देंगे. विद इन 10 डेज मुझको मिल गई थी गाड़ी. वन क्रूजर मेरे को उसकी फील ड्राइविंग फील अच्छी लगी. अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी. इट वाज लाइक नीडी पॉटर एंड दिस कार वाज गोइंग लाइक रियली स्मूथली थ्रू दैट. मुझे आज भी ना एटलीस्ट 2 पीपल ऑन अ डेली बेसिस दे स्टॉप मी एंड आस्क मी कैसे चल रही है गाड़ी. सेफ्टी के नाम पर कुछ भी नहीं था. अपनी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है. यू डोंट फील टायर्ड एट ऑल व्हाइल ड्राइविंग दिस कार. यू फील इट्स वेरी स्टर्डी. वेलकम बैक टू माई चैनल. तो जैसे कि आप देख सकते हो आज सामने हमारे खड़ी है टाटा पंच. कौन सा वेरिएंट है और ऑटोमेटिक है या मैनुअल है वो सब अभी आपको पता चल जाएगा. तो सबसे पहले तो हम आज इसका ओनरशिप रिव्यू लेने वाले हैं और आज इनके ओनर से पूछने वाले हैं कि क्यों उन्होंने टाटा पंच ली. और थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज पहले जो था फर्स्ट प्लेस पे वो हैरियर देखने गए थे, हैरियर लेने गए थे, डन भी करने वाले थे, बट उसके बाद उन्होंने पंच लिया है. तो पहले पंच के ओनर को बुला लेते हैं. तो रोहित सर आप आ जाओ एक बार. कैसे हो आप? गुड, एब्सोल्युटली गुड यार. तो मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा आपने ली कब थी, मतलब कब ली थी आपने ये? मैंने ली थी जुलाई 2020 में. अच्छा, और कितनी चला चुके आप ये? 4000? हाँ, अराउंड 4000 है. सेकंड सर्विस इसकी ड्यू है एक्चुअली. सेकंड सर्विस होने वाली है अब इसकी. तो सिक्स मंथ्स में आ जाती है इसकी सेकंड सर्विस. हाँ, सेकंड फ्री सर्विस जो होती है 6 मंथ. अच्छा, मतलब इसकी दो फ्री सर्विस होती है. दो फ्री सर्विस होती है. फर्स्ट होती है 1000 के ऊपर. हाँ, सेकंड होती है आफ्टर 6 मंथ्स. अच्छा, तो मतलब इसकी सेकंड सर्विस होने वाली है. और ये आपको कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 9,45,000 की. और कोई डिस्काउंट दिया था? डिस्काउंट वगैरह हाँ, मुझे इंश्योरेंस वगैरह पे डिस्काउंट मिला था. डीलरशिप ने दिया था मुझे अराउंड 20,000 ऐसे. तो जो बेसिक डिस्काउंट होते हैं वो मुझे मिले थे इसके. अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो दिए थे टाटा वालों. हाँ, और मेरे को गाड़ी का वेटिंग भी ज्यादा नहीं करनी पड़ी थी इसकी. अच्छा अच्छा. तो एक्चुअली मैं इसका जो क्या बोलते हैं क्रिएटिव मॉडल लेना चाहता था. तो टॉप मॉडल है पर उस टाइम पे ना गाड़ियाँ अवेलेबल नहीं थी बिल्कुल. आई थिंक व्हाट इज दैट कैपेसिटर और माइक्रोचिप समथिंग. हाँ, सेमीकंडक्टर. एग्जैक्टली. तो वो अवेलेबल नहीं थे तो उसकी वजह से ना गाड़ियां मार्केट में नहीं थी. तो थोड़ा सा वेट करना पड़ा था बट मेरा वेटिंग पीरियड कट हो गया था फिर काफी सारा कि बिकॉज़ आई वेंट फॉर दिस पर्टिकुलर मॉडल व्हिच वाज अवेलेबल विद देम अराउंड दैट टाइम. हां हां. तो ये कौन सा वेरिएंट है? ये है, ये ऑटोमेटिक है, रिदम है, पर इसमें डाजल पैक लगा हुआ है. अच्छा. डाजल पैक का फंडा व्हिच इज अ वेरी कूल थिंग यू नो. इन्होंने बहुत से पैक्स वाला सिस्टम निकाला है कि अगर आपको टॉप मॉडल ये बेसिकली टॉप मॉडल की तरह ही है पर टॉप मॉडल थोड़े से कम फीचर है. तो आई कुड हैव सेटल्ड फॉर अ रिदम बट दे ऑफर्ड मी बाय पेइंग 25,000 एक्स्ट्रा दे ऑफर्ड मी डायमंड कट अलॉय व्हील्स यू नो अदर फ्यू अदर ऑप्शंस व्हिच आर देयर लाइक पुट पुश स्टार्ट. मतलब ये VFM लगा आपको ये पैक? हां हां, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा पैक. ये भी बहुत अच्छा पैक मुझे लगा. एंड बिकॉज़ थोड़ा गाड़ी की लुक एंड फील थोड़ी एनहांस हो जाती है. फील गुड फैक्टर और अच्छा फील गुड फैक्टर आ जाता है और कंफर्ट भी काफी इंप्रूव हो जाता है जस्ट बाय पुटिंग 25,000 इनटू इट. तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था इसका. तो आप सबसे वो जो मतलब थोड़ी सी जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप सबसे पहले लेने गए थे हैरियर, टाटा हैरियर. बिल्कुल. हाँ. और आपने हैरियर ऑलमोस्ट डन भी करती थी. हाँ. तो एकदम से ये क्या हुआ कि आप हैरियर से सीधा पंच पे आ गए? पहले तो आपके पास क्रेटा थी ना? क्रेटा. हाँ, क्रेटा हाँ, थी. तो मतलब एक तरह से क्रेटा से आप अपग्रेड कर रहे थे हैरियर पे और फिर आप पंच पे आ गए जो कि एक तरह से क्रेटा से 2 सेगमेंट नीचे है. बिल्कुल बिल्कुल. तो क्या रीजन था उसका आप बता दो. एक ये था कि सबसे बड़ी बात थी गाड़ियां अवेलेबल नहीं हो रही थी. वेटिंग पीरियड बहुत ज्यादा था. और आई डोंट वांट टू से इनटू ऑल दिस थिंग बट पीपल यूज्ड टू से कि इफ यू पे एक्स अमाउंट देन वी विल गिव यू दैट. इट वाज नॉट अ डीलरशिप जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे. फॉर अ नॉर्मल पर्सन टू गो एंड बाय अ कार आई थिंक इट्स बिकम अ मिशन दीस डेज. तो बहुत मुश्किल होती है. फिर वो थोड़ा अंडर द टेबल ब्राउन पुशिंग ब्राउन एनवेलप्स वाली बात. समझ गया मैं, समझ गया आपकी बात. तो आई वांट टू एलैबोरेट ऑन दैट बट बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी लेने के लिए ना उस टाइम पे. मतलब हैरियर पे भी वेटिंग बहुत चल रही थी.
काफी चल रही थी वेटिंग, आई थिंक वो जो आप उसकी बात कर रहे हो दैट चिप थिंग्स ऑर्डर, हां सेमीकंडक्टर उसके वजह से बहुत कुछ जोड़ता, लाइक मेरे मैंने एक एस्टर का भी दिमाग में था मेरे, एस्टर एमजी एस्टर, वो भी नहीं मिल रहा था। और मेरे को तो सबसे जो मेरे को सबसे अजीब बात लगी थी, मुझे डीलरशिप से फोन आया था कि अगर मुझे वो मैं उनको 1.5 लाख रुपए देता हूं तो मुझे जल्दी गाड़ी दे देंगे, वरना उसका 9 मंथ का वेटिंग पीरियड है, मतलब इसका एस्टर का, हां एस्टर का, ये एस्टर का इतना वेटिंग पीरियड। तो एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, वो फिर इसका ये हुआ था कि ये आई थिंक वहाँ पे थी गाड़ी तो अवेलेबल थी, मुझे डीलरशिप में बताया एंड आई वांटेड टू बाय अ कार और आई वांटेड टू गेट अ ऑटोमेटिक ओनली, क्योंकि जो मेरा ड्राइविंग रूट है ना उसमें बहुत ट्रैफिक होता है, तो मैं काफी सफर कर चुका हूँ उसकी वजह से, बहुत प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से मुझे ट्रैफिक नेगोशिएट करने में। क्रेटा आपके पास जो थी वो मैनुअल थी? वो मैनुअल थी और आई यूज्ड टू ड्राइव ऑन दैट रोड रेगुलरली and it was even though you had a good car you could not enjoy that driving comfort because there was so much of traffic, where are you going to drive all that, you know, so that's why I just wanted to keep a simple automatic car which basically takes out you know the pain out of my daily commute. ye mera sabse bada to sabse badi need tha abhi yahi thi, fir main harrier pe gaya to harrier automatic mein bahut zyada difference tha, kam se kam 2-3 lakh ka difference tha if you go for a even if you go for a base model, so that's why fir then I and then available थी तो मेरे को ये देखी इसकी ऑटोमेटिक अवेलेबल थी तो मैंने फटाफट बुक करी एंड विद इन 10 डेज मुझको मिल गई थी गाड़ी। अच्छा तो मतलब जो आपने गाड़ियां कंसीडर करी थी वो तो एस्टर और हैरियर थी, बट मेन आपकी प्रायोरिटी ये थी कि आपको ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए थी जो सिटी के लिए बढ़िया हो, ऐसा नहीं था कि आपको अपग्रेड ही करना है क्रेटा से, ऐसा नहीं था, वो तो बस आप वैसे ही देख रहे थे कि इन गाड़ियों को कंसीडर कर लेते, और ये अवेलेबिलिटी नहीं थी उन गाड़ियों की, तो ये पंच एकदम से आपको दिखेगी अवेलेबल है तो आपने फटाफट से डन कर ली। एंड टू बी वेरी ट्रू, मैं थोड़ा लेजी बंदा हूँ, मुझे ज्यादा दूर ट्रैवल करना पसंद नहीं आता, तो मेरे को जो सामने मेरा डीलरशिप थी मैं वहाँ गया, इट्स लाइक जस्ट अ किलोमीटर फ्रॉम माय हाउस एंड आई गॉट इट डन फ्रॉम देयर। और मैंने वो भी देखी थी, क्या बोलते हैं, अगर साथ में ही टोयोटा की थी तो मैंने वो भी देखी थी उसके साथ, इनकी जो है ना टोयोटा की अर्बन क्रूजर, सो अर्बन क्रूजर मेरे को उसकी ड्राइविंग फील अच्छी लगी, आई जस्ट डिड नॉट फील गुड, इट्स अ वेरी सॉफ्ट सॉर्ट ऑफ अ कार, सेफ्टी का थोड़ा लगा आपको बहुत ज्यादा उसमें लगा था मुझे, आई जस्ट डिड नॉट एंजॉय इट इवन फॉर वन बिट, सो दैट्स व्हाई आई ड्रोव दिस, आई टुक अ टेस्ट ड्राइव एंड आई फेल इन लव विद दिस कार इंस्टेंटली। मैं कभी बिकॉज़ थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा अच्छी है इसकी, जो जिस जगह पे मैं कम्यूट करता हूँ उसमें ना काफी डर्ट पैचेस आ जाते हैं और काफी टूटी सड़कें वगैरह, तो वो काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें, सो इफ यू हैव अ कार विद अ गुड ग्राउंड क्लियरेंस इट रियली हेल्प्स। और आजकल तो ऐसे ही हो गया, सिटी में भी नाम के ही कहने को सड़कें अच्छी हैं, वरना तो ऊपर नीचे तो होता ही है, कभी भी कहीं कोई दे डिग इट एंड यू हैव प्रॉब्लम्स, इस मतलब इस टाइम पे गाड़ी ऐसी तो होनी चाहिए जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया हो। एंड द फनीएस्ट थिंग वाज द डे आई बॉट इट, next day there was a heavy downpour in Delhi, all the roads were clogged and that there I saw the water wading capabilities of this car, it was like knee deep water and this car was going like really smoothly through that, मक्खन की तरह निकल गई easily, right, कोई problem नहीं हुई, थोड़ी भी problem नहीं हुई मेरे को। मैं थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि मैं अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप करने आ रहा था, अब स्कूल जाना ही था तो मैं लेके गया तो आराम से गया, तो ये मेरे को थोड़ी चीजें अच्छी लगी थी इसके बारे में। बाकी मैं जनरली एज अ पर्सनली लाइक मेरा जो ड्राइव जिस तरह का मेरा ड्राइविंग नेचर है, मैं स्पीड वगैरह करता नहीं, सेडेट चलाता हूं, आई बेसिकली क्रूज, तो मैंने कभी तो उसमें लोग काफी मुझे बोलते थे तुम ये क्यों ले रहे हो इसमें तो पावर नहीं है कुछ भी नहीं है, पर मेरा पर्पस ही अलग था, आई जस्ट वांटेड अ बेसिकली अ कार व्हिच इज क्या बोलते हैं जो डेली टू डेली पॉइंट ए टू पॉइंट बी सही से पहुंचा दे और स्मूथ रहे, व्हिच हैज अ गुड ग्राउंड क्लियरेंस, ठीक है, और स्मूथ हो चलने और सेफ हो, हां दैट्स स्मूथ एंड सेफ, वो सारे चेक एवरीथिंग, आई थिंक इसको 4 स्टार मिले हैं, इट्स काफी 5 स्टार है, तो वन ऑफ द सेफेस्ट कार है, इट्स वन ऑफ द सेफेस्ट कार दैट इज देयर, ऑडियो सुना मैंने इसका और व्हिच वाज हर्मन का है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो और एवरीथिंग वाज डाउन टू द फैक्ट कि जल्दी से मिल रही थी गाड़ी, आई वांट टू वेट, तो मैंने फिर इसको डन कर दिया था, और देखने में भी काफी अच्छी है, बूट साइज भी इसका अच्छा है, और क्योंकि ऑटोमेटिक एंड द फनीस्ट थिंग आई विल टेल यू, मुझे आज भी ना एटलीस्ट 2 पीपल ऑन अ डेली बेसिस दे स्टॉप मी एंड आस्क मी कैसे चल रही है गाड़ी, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी डिमांड बहुत है ना, समटाइम्स मैं थोड़ा घबरा भी जाता हूं, दे यू गेट अ जेंटल नॉक ऑन द डोर से व्हाट हैपेंड, लाइक ओ सर प्लीज बता देंगे कैसे चल रही है, सो इट्स लाइक दैट, सो अ लॉट ऑफ पीपल दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस कार, एंड ये क्योंकि इसका आई थिंक जो मैनुअल है उसकी एवरेज काफी अच्छी है, ऑटोमेटिक है इसकी एवरेज इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा, ये कितने की एवरेज दे रही है आपको सिटी में? एवरेज देती है 10 to 10.5 in city, but having said that, I recently did a trip to Nainital and hills around,
तो तब मुझे 20 की एवरेज मिली थी। अच्छा 20 की एवरेज थी उसका। आई थिंक ये है कि सिटी में ना 50 ईयर पकड़ता ही नहीं है, तो उसकी वजह से थोड़ी एवरेज में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। बट दैट वाज नेवर माय क्राइटेरिया, माय ऑफिस इज वेरी क्लोज बाय, जस्ट दैट इट्स लाइक वेरी क्राउडेड, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो बस यही मेरा पर्पस था, बट अदरवाइज अगर आप इसको हाईवे पे लेके जाएंगे तो आपको आराम से 20 प्लस की एवरेज देंगे। अच्छा, तो ये था मेरा। बाकी आई एम रियली हैप्पी विद दिस कार, जो मुझे चाहिए था। इट टिक्स ऑल दोस बॉक्सेस, स्मूथ राइड, बहुत ज्यादा स्मूथ राइड है। इट हैज, बिकॉज इट्स एन ऑटोमेटिक, सो इट हैज टेकन ऑल द पेन फ्रॉम माय कम्यूट। देन थर्डली इट लुक्स गुड आल्सो, सारी जो चीजें हैं इसके अंदर, मिनी हैरियर लगती है, हां डीआरएल है इसके अंदर, इसके अंदर अच्छे से आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिले हुए हैं, तो क्योंकि मैंने डैजल पैक लिया था वो मिले थे, अदरवाइज तो नहीं मिलते हैं इसमें। अगर रिदम लूंगा तो रिदम के अंदर मिलते नहीं है। ये बेस और टॉप के बीच वाला वेरियंट है ना? हाँ बिल्कुल, समझ गया समझ गया। सो लाइक जो टॉप जो वेरियंट होता है उसमें दिया 12 फीचर्स, 12 में से इसमें 6 दिए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो 6 नहीं, ऐसे रेन सेंसिंग वाइपर नहीं है इसमें, है ना, तो वो सब नहीं है इसके अंदर। समझ गया, ये चीज है इसके अंदर। तो आई एम रियली हैप्पी विद माय परचेस यार, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा इसके अंदर। और देयर आर सर्टेन स्मॉल थिंग्स व्हिच टाटा हैज डन, इट हैज गिवन यू अ टायर इन्फ्लेटर पंचर हवा कम हो रही है तो मैंने उसमें भरा और जो नेक्स्ट हमें पॉइंट मिला पंचर लगवा लिया। सो इट्स रियली हेल्पफुल यार, दीस स्मॉल थिंग्स टाटा इज रियली डिफरेंस काफी मेक करती है। हां बहुत कराया इसने, समझ गया दैट आई रियली लाइक। जैसे आपके पास इससे पहले हुंडई की क्रेटा थी, अब क्रेटा जो है, मतलब हुंडई जो है ओवरऑल ही अपने आफ्टर सेल सर्विस और रिलायबिलिटी के लिए बहुत मानी जाती है, वेयर एज टाटा का जनरली ओनर्स ये बोलते हैं कि आफ्टर सेल्स में टाटा वाले जो है परेशान कर देते हैं कस्टमर को, और रिलायबिलिटी भी इनकी कुछ वैसी नहीं होती। तो अब आपने जैसे हुंडई क्रेटा से आप इस पे मूव हुए, हुंडई से एक तरह से टाटा पे मूव हुए, तो आपका क्या कहना है, आपके हिसाब से अभी जैसे आपने इसको 6 महीने यूज़ किया है, तो आपका कैसा टाटा के साथ एक्सपीरियंस है, मतलब जैसे होता है ना डिलीवरी एक्सपीरियंस, ओवरऑल डील का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और एक आधी जो सर्विस हुई है वो कैसा आपका आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस उसके उनके साथ रहा है? My purchase experience was very smooth. Mm-hmm. They have a very professional staff. I don't even remember if I had any problems dealing with them. ठीक है? They were very proactive. Everything was done as per plan. ठीक है? अब जब इसकी first servicing की बारी आई, I got a call from there कि भाई आपका first servicing due है, तो आप करा लेना। पास में ही है स्पर्श टाटा है, जबकि डीलरशिप मेरी ऑटो विकास है, पर मैंने उनसे परचेस कराया थोड़ा दूर है ऑटो विकास का सर्विस सेंटर। इट जस्ट दैट आई वुड जस्ट से आई एम लेजी, आई डोंट वांट टू ड्राइव ऑन दैट, बट सो हैविंग सेड दैट आई गॉट इट डन, आई हैड अ वेरी स्मूथ एक्सपीरियंस, बिकॉज फर्स्ट सर्विस था, ज्यादा कुछ होता नहीं है इसके, ठीक है। फर्स्ट सर्विस के अंदर आई थिंक ऑयल वगैरह चेक ये सब ही होता है, तो इट वॉज, इट वेंट वेरी स्मूथ, आई ड्रॉप द कार, आई गॉट इट, not no problems at all. अब जब सेकंड सर्विस की बारी आई है, इनफैक्ट आई जस्ट गॉट अ कॉल टुडे इटसेल्फ दैट इट्स ड्यू, वुड यू लाइक टू पिक द कार अप, सो आई सेड दे विल चार्ज अ वेरी नॉमिनल फीस, दे विल पिक द कार, दे विल डू द सर्विसिंग एंड दे विल गेट बैक टू मी। सो जो जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, एवरीथिंग वाज डन ऑन टाइम, इवन इन Hyundai आल्सो व्हाटएवर the time they commit, they used to deliver in that. I never had any sort of problems, whether it was Hyundai or whether it's Tata. And तो मतलब आपको कोई ऐसा feel नहीं हुआ कि Hyundai से Tata में गया तो Tata वालों ने परेशान कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया लगा आपको Tata का experience? मुझे कोई problem नहीं हुआ। समझ गया समझ गया। पास तो इससे पहले Hyundai Creta थी, और आप कंसीडर भी जैसे Harrier और Aster जैसी गाड़ियां कर रहे थे पहले, तो मतलब जैसे पहली Hyundai Creta ही एक इससे 2 सेगमेंट ऊपर की गाड़ी थी, तो उसमें जो मतलब इन द सेंस इंटीरियर का डिजाइन फील हो गया और फीचर्स हो गया, वो पहली इससे ज्यादा मतलब जो होता है ना स्पेशल फील होते होंगे। प्लस अब आप अगर Aster देख रहे थे, Aster अपने सेगमेंट में अपने इंटीरियर के लिए सबसे ज्यादा फेमस है, कि उसकी इंटीरियर बिल्कुल जो होता है ना कंपास के लेवल का इंटीरियर दे रखा है। प्लस Harrier का भी इंटीरियर जो है वो टाटा का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो उन्होंने उसमें सबसे ज्यादा काम डाल रखा है। तो जैसे जब आपने पंच पे मूव किया, बिकॉज ये नहीं था कि आप पंच लेने ही गए थे, वो तो था कि आप अवेलेबल थी तो आपने लेने गए, तो आपको ये चीज नहीं फील हुई कि यार थोड़ा सा मैं कॉम्प्रोमाइज इस चीज में कर रहा हूँ कि पहली मेरे पास Creta थी तो उससे कम फीचर्स मिल रहे हैं, थोड़ा क्वालिटी भी लो हो रही है, प्लस जो Aster और Harrier में जो आपको एक्सपेक्टेशन थी वो भी आपको जो लोअर करी, तो आपने उससे कैसे डील किया, मतलब आपको क्या लगा था जब आप मूव कर रहे थे? मेरा सबसे पहला इशू था कि आई वांटेड एन ऑटोमेटिक नंबर वन। आज की डेट में मेरी जो Creta थी, मैंने ली थी
2017 में ली थी, ठीक है, उस टाइम की क्रेटा और आज की क्रेटा में बहुत डिफरेंस है, प्राइस का भी और फीचर्स का भी, ठीक है। इवन दो मेरा टॉप मॉडल था उसमें इतने फीचर नहीं थे जो अच्छा, इसमें आते हैं, इसमें वो नहीं है, ठीक है। उसका डैश और उसके डैश में बहुत डिफरेंस है, इसमें डुअल क्रोम वो डुअल टोन वाला डैश था, ऐसा कुछ नहीं था उसके अंदर, इट वॉज वेरी प्लेन, क्योंकि क्रेटा का उस पर आई थी बहुत हाइप, ऐसा कुछ आपको डाउनग्रेड नहीं फील हुआ इसमें पंच होने में? पंच आई एम कंपेयरिंग इट विद अ क्रेटा ऑफ 2017 कोई कोई अगर इनफैक्ट अगर मैं इस गाड़ी में एंट्री और एग्जिट करता हूँ मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि डोर बहुत अच्छे लगते हैं, 90 डिग्री खुलते हैं इसके, बिल्कुल। और क्रेटा में हमेशा मेरे को इतना बॉडी रोल काफी लिखता था उसके अंदर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 2017, समझ गया। इसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका साउंड म्यूजिक सिस्टम भी बहुत बेटर है, उससे हार्मन गार्डन का होगा, हार्मन का है, और फिर एप्पल ऑटो एंड्रॉइड ऑटो सब है इसके अंदर, तो वो सब तो उसमें नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। इट वॉज आई थिंक इट वॉज अ फीचरलेस कार, जो क्रेटा उस टाइम की थी ना वो बहुत फीचरलेस थी, और आपका टॉप वेरिएंट था ना उस टाइम, उसमें मेरा टॉप वेरिएंट SX था मेरा, तो और अभी जो है मुझे ऐसा कोई ऐसा नहीं फील होता कि डाउनग्रेड हो गया। एंड अनदर थिंग वाज कि जो इन सब गाड़ियों का वेरिएंट्स है ना उनके अवेलेबिलिटी का बहुत इशू आ रहा था उस टाइम पे, एंड एज आई सेड आई वाज जस्ट गोइंग लोकल, आई वाज नॉट hunting throughout the city, as I said, I am a very lazy person, so I just went to the closest dealership, which is like around 1 and 1.5 kilometers, and I bought it from there. You already know XUV 700 and all these cars were not available at all, such a huge booking line that is already there, to maine do saal ki waiting period, exactly, so I didn't want to get into all that, mujhe achhi lagi ye gaadi, to maine ye le li usme, aur fir again mere ko kyunki isme अच्छे प्राइस में मुझे इसमें ऑटोमेटिक मिल गई। अब जैसे नेक्सन भी ले सकता था, नेक्सन तो सस्ती पड़ रही है, इससे नॉर्मल इसकी नेक्सन मैं अगर बेस वेरिएंट देखो उसका, हाँ बेस वेरिएंट अगर उसका ले तो मुझे सस्ती पड़ेगी इससे, पर मेरे को ऑटोमेटिक चीज इसमें मैंने लिया और सब अवेलेबल नहीं थी उस टाइम, तो मतलब आपकी प्रायोरिटीज वैसे मेन स्ट्रेट यही थी, ये तो था कि चलो ठीक है फीचर तो फील गुड फैक्टर एक प्लस पॉइंट होता, लेकिन मेन आपको ये था मेरे को ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए जो सिटी के लिए बढ़िया, बिल्कुल ये थी मेन चीज, तो और इसको 5 स्टार जैसे मैंने बोला 50 में मिला हुआ है, तो ये चीज मैनर करती है। देखो आई एम फ्रॉम अ डिफरेंट टाइम ऑल टुगेदर, हमने तो 800 भी चलाई हुई है, सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं था, अपनी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है, तो इट्स लाइक आवर मेंटालिटी इज दैट, या बट इसमें था लाइक ऑल दोस सेफ्टी भी जैसे इसमें फुल आते हैं, हां तो इसमें तो मतलब आपको ऐसा कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता इसमें लेने के बाद कि मेरे को फीचर्स नहीं मिल पाए जो एस्टर या हैरियर में थे, या फिर मैंने क्रेटा से डाउनग्रेड कर दिया, अब आप पूरा सेटिस्फाइड रहते हो इसमें? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब इसमें आपको फीचर्स वाइज कोई कमी वमी नहीं लगती, जो बेसिक आते हैं सब मिलते हैं आपको इसमें, फीचर्स सारे मिलते हैं। और ट्रिप की बात भी करूं, वी ड्रोव इट लाइक फॉर 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर, कंफर्ट हां कैसा लगा, कंफर्ट कैसा लगा, यू डोंट फील टायर्ड एट ऑल व्हाइल ड्राइविंग दिस कार, ऑटोमेटिक आधा तो पेन पॉइंट चला ही जाता है वहां से, बट इवन एट लॉन्ग डिस्टेंसेस आई नेवर हैड, राइड क्वालिटी इसको इसकी आपको अच्छी लगी, सॉफ्ट है, और मैं बता रहा हूं कि ऐसे हल्द्वानी के वहां थोड़ा सा डर्ट पैच है काफी लंबा, हमने वो चलाया उस पे और राइड उसका सस्पेंशन वगैरह बहुत अच्छा था, 2 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि इसका सस्पेंशन बेकार है, लाइक क्रेटा का कितना अच्छा सस्पेंशन होता था उसमें तो पता भी नहीं चलता था, छोटे घंटे तो पता नहीं चलते उसके अंदर, पर इसमें भी ऐसा कुछ नहीं मेरे को पता चला, और पूरा लोड के साथ गए थे इसमें, वी हैड 4 पैसेंजर्स एडल्ट्स, ठीक है, और हमारा लोड भी काफी सारा खाने वाने का सब कुछ था, बूट साइज भी डिसेंट है इसमें, एक फुल सूटकेस और एक हाफ वाला जो सूटकेस था वो आ गया था इसके अंदर, बिसाइड्स अदर थिंग्स तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसके अंदर। तो जैसे इसका इंजन जो है टाइम पे बहुत सही था, हाँ मैं वही पूछ रहा था कि जैसे आप इसको नैनीताल पे लेके गए थे इसकी परफॉर्मेंस इंजन की कैसी लगी, जैसे 4 बंदे थे लगेज से लोडेड थी, बहुत सी थी इसकी, और बस इसमें ये था कि बिकॉज इट्स एन ऑटोमेटिक, जैसे आपको इफ यू वांट टू ओवरटेक अ कार, हाँ तो गियर डाउन शिफ्ट में, हाँ पर इसमें फिर मैंने फिर वो मैनुअल वाला फीचर डाल दिया, अच्छा मैनुअल यूज किया, हाँ और इट्स लाइक अ स्पोर्ट्स मोड ऑफ दिस कार, जैसे आप उसको उसमें डालते हो ना तो वो फटाफट से चलता है, देन इट रियली गिव्स यू दैट जिपीनेस व्हिच इट जस्ट कार डजंट हैव। तो मतलब इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स आपको सिटी के हिसाब से कैसा लगा, गियर शिफ्टिंग आपको इसकी फील होती है क्या, सही लगता है, स्मूथ लगता है, पता नहीं चलता, पता नहीं चलता, ओनली व्हेन यू लाइक सपोज यू ब्रेक योर स्पीड देन इट समटाइम्स एंड देन यू बेसिकली प्रेस योर एक्सीलरेटर, तो थोड़ा वो हल्का सा आता है उसमें, हल्का सा जर्क आता है, मतलब उतना तो चलो चलता है, मतलब ऐसे नहीं है कि बॉदर सम लगे आपको, ऐसा कुछ वेरी स्मूथ रहा है। और इसकी हाईवे पे स्टेबिलिटी और वो सब कैसी लगी आपको, हैंडलिंग स्टेबिलिटी, इवन इफ देयर हैवी व्हीकल्स पासिंग बाय यू डोंट फील दैट जर्क, यू नो दैट व्हेन सॉर्ट ऑफ अ सेफ फील होता है इसमें, हिलती नहीं है गाड़ी, वेरी सेफ, या इट्स वेरी सेफ इन दिस कार एट एनी टाइम। और आपने इसको 120 पे चला रखा है, 110 120 पे, तो कैसी रहती है उस पे इसकी परफॉर्मेंस, बिल्कुल हिलती नहीं है, कभी कुछ नहीं होता उसमें, लाइक यू फील इट्स वेरी स्टर्डी,
क्रेटा के कंपैरिजन में इसकी ड्राइव फील आपको ज्यादा अच्छी लगती है? वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्रेटा वाज स्लाइटली स्मूदर, इट वाज मोर कंफर्ट ड्राइव। वो तो चलो ये जो एक तरह से वो तो हो गया कि इंजन की बात आ गई, लेकिन स्टेबिलिटी और हैंडलिंग में कौन सी बेटर है? सेम सेम लगी आपको? इंजन तो ऑब्वियसली उस क्रेटा का आपको सुपीरियर लगता होगा, बिकॉज़ वो 1.6 था और आज की क्रेटा में बहुत। वो भी बात है, वो भी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। तो सिटी में तो ये मक्खन आपको चलाने में सही लगती है? स्टीयरिंग में वेयरिंग इसका लाइट है? हाँ बहुत लाइट है, इनफैक्ट आई एंजॉय दिस ड्राइव मोर देन माय क्रेटा। एज आई सेड ना, मेरा एक बड़ा सिंपल सा पर्पस था, पॉइंट ए टू पॉइंट बी एट अ सर्टेन टाइम व्हेन देयर इज पीक ट्रैफिक एंड आई डोंट। ये ज्यादा कन्वीनिएंट भी होगी बिकॉज़ वो तो मैनुअल थी, ये ऑटोमेटिक है। हां समझ गया मैं आपकी बात। दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक अबाउट दिस। तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। और अगेन यू नो, even if there are two people sitting in front, you know, so it's almost same, the space and everything is same, there was not much of a difference. deceptive hai ki choti gaadi hai, par agar if you sit inside you feel good yaar, space sahi lagta hai aapko bilkul, aur boot space bhi aapko theek laga, jaise char bande ke to luggage aa gaya tha, koi dikkat nahi, bilkul koi problem nahi hai। तो ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हो इस परचेज से? जो मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे टाटा इसको ऑफर कर रही है, आपको बहुत बीएफएम लगी? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कोई जैसे बंदा लेना चाहता है इसी पर्पस के लिए, तो आप सजेस्ट करोगे उसको? रिकमेंड करूंगा। द ओनली थिंग इन इंडिया में क्या होता है कि एवरीबॉडी आस्क की माइलेज क्या है। हां हां हां, माइलेज बहुत खराब है। हां हां, सिटी ड्राइविंग में बहुत खराब माइलेज है इसकी। हां हां हां, बट दैट वाज नॉट माय क्राइटेरिया एट ऑल। मेरी गाड़ी इतनी ज्यादा चलती नहीं है कि मुझे वो पिंच करे। हो हां 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 हां, तो ओवरऑल तो आप सेटिस्फाइड हो गाड़ी से? मतलब अगर किसी का 9 to 10 lakhs का बजट हो तो आप कौन सी गाड़ी रेकमेंड करोगे, यही बोलोगे? क्योंकि अगर ऑटोमेटिक बोलूंगा आजकल के टाइम पे कि ऑटोमेटिक की जरूरत है, इतना स्ट्रेस होता है ड्राइविंग करते वक्त ना, इट बेसिकली टेक्स हाफ ऑफ योर स्ट्रेस आउट फ्रॉम ड्राइविंग, यू फील गुड व्हेन यू कम बैक होम। कोई और अगर किसी का लंबा डिस्टेंस है तो मैं तुमको रेकमेंड करूंगा पे समथिंग एक्स्ट्रा बट एक एन ऑटोमेटिक। तो मतलब आप तो फुल सेटिस्फाइड हो गाड़ी से? तो गाइज जैसा कि आपने देख लिया कि टाटा की सर्विस से भी फुल सेटिस्फाइड है, बिकॉज हुंडई से मूव किया था टाटा पे, तब भी कोई डाउनग्रेड नहीं लगा सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस के एक्सपीरियंस में। गाड़ी से भी फुल सेटिस्फाइड है। जो चाहिए था मेन चीज़, कन्वीनियंस जो चाहिए थी, वो सारी मिल रही है गाड़ी में। तो मतलब पंच ना एक तरह से ऑलराउंड पैकेज है, जो आपको सिटी में भी मतलब आपको अच्छा स्मूथ राइड देती है, प्लस आपको हाईवे पे भी वो जो होता है ना एक स्टेबिलिटी और सेफ फील देती है, और प्रैक्टिकलिटी सब कुछ ऑफर करती है। तो यही चीज़ें जो है ना पंच को एक काफ़ी अच्छी ऑफरिंग बनाती है 9-10 lakhs में। जैसे कि आप देखा, रोहित सर ने भी आपको बोला कि अगर आपका 9-10 lakhs का बजट है तो आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से भी ये काफ़ी VFM कार है अपनी। उसमें आप बताना कि आप अगर आप पंच के अंदर आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, बाकी आप हमारे पॉइंट से एग्री करते हो या नहीं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ऐसी बढ़िया से वीडियो के लिए अभी क्लिप बाय।